ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ बेबे उन्हें फिर कसर हो गई मेरे उन्हें धक्का मार के सटन लगी तो मैंने कहती आज नहीं मैं छड़ दी खा जा ना खा अरे अब्बा हूँ की पढ़ूंगा किन्ने दिन हो गए मैं तो चाचे नाल ना सौ के ही नहीं देखिया थोड़े बड़े वडेरे चो किसी पीढ़ी दे विच एक बजुर्ग की अन्याई मौत हुई है बस उही तंग करता थोड़े सारे टब्बर नूं ते उही इहनू चिंबड़िया होया दस हुण तैनूं याद है वी किसी सियाणे ने कहा वी अपने किसी बजुर्ग की अन्याई मौत हुई होवे ओहो ना बड़ी बेबे कहती होंगी सी कहती सी थोड़े दादे का फुफड़ अन्याई मौत मरिया सीगा उही तंग करता होना है फिर ओ सियाणा ता ही कोई आने तैयार नहीं हुण समझ नहीं आती भी जाइए किते की नूं पुछिए की करिए ओ जिहड़ा आउंदा चक के जो हाथ चाहुंदा ना इह तां चक के सवार आए मार दी आए मार दी आ भन्न तोड़ करदी आ डर लगदा हुण तां उपर जाण लगे भी ते सियाणा भी आउण लगे डरदा गुरप्रीत ही दसदा मैं कल छड़ के किधर चले आया अगे उधर परसों मेरे घोटना मारे इत्थे मुंडे दुखी जांदे आ चलो जे तुसी मानदे हो ठीक है फिर पर मैं तुहाडी की मदद कर सकदा पहली गल तां इहे है जी ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕੌਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭੂਤ जिदा मर्जी करके ना दे लो हुण तां पई है ना राम ने टिकी पई है कोई पता नहीं कदों कदम कसर हो जाती है हाथ कमर लग जाती है अखा लाल जो हाथ च आउंदियां ने चक के मार दिया जी ते बस चली गई पहले दरवाजा ही बंद कर दी
एदा मतलब बीबी मेडिकली बिल्कुल फिट है। हुन मैं असली मुद्दे ते आनी कि गल की है। बीबी ओ बीबी ओ बीबी आ ड्रामे मेरे अगे ना कर, मेनू सीधी तरह दस के गल की है। आ तेरे वर्गे ना मैं चंगी तरह सूद कीते हुए आ, इधर मेरे वाल देख। मेरे कोल ना होर भी बहुत तरीके है गल पुछन दे, इसलिए अपने आप सीधी तरह मेनू दस दे गल की है। देख मैं तेनू फिर प्यार नाल पूछ रही हाँ कि तेनू की तकलीफ है तो मेनू दस दे। देख मेरी भी एक फैमिली है, मेरा भी परिवार है, तेनू ये ड्रामे करने की नौबत क्यों आ गई? देख ना मेरे तो डर ते ना मेरे तो झिझक, तू मैनू समस्या दस कि समस्या है की। मैनू जे एक समस्या होवे तो मैं थोनू दसा, मेरे तो समस्यावां दा ढेर पिया होया ढेर। जदों दी मैं ब्याह के आई हां मैं एक भी दिन चैन दा नहीं देखिया। पहला तो मेरी सास वालों हर गल च टोका टाकी, ते जदों भी मैं पेके जाण नू कहां ते हर वारी स्यापा ही पैंदा। ते जे किते दिन त्यार ते मैं नवां सूट मंग लवां ते घर वाले वालों पंगा। मेरे तो सारे चाह दिल दे दिल च ही रह गए, मेरे पेकियां नू ताने मेने सुन सुन के मैं अक गई। मैनू ये सारा ड्रामा अक के करना पिया। ये तो बहुत छोटी जी गल है, ये मसला तो मैं चुटकियां च हल कर दूंगी, चुटकियां च। जे मेरे मसले ही हल हो गए तो मैं पागल थोड़ी है मैं ड्रामे करती फिरूंगी। बस हुन तेरा ड्रामा खत्म ते मेरा ड्रामा शुरू। ओ माता जी आ जाओ हुन अंदर, आ जाओ जी आ जाओ। हां जी की बणिया जी, होया हल कोई साडा? माता जी ए ता बहुत वड्डा जिन्न है ते खतरनाक भी है। ओ कहंदा मैं निकलता जाऊं पर मेरियां कुछ शर्तां ने। शर्तां? शर्तां? जे शर्ता ना मनिया ना ते ओ कहंदा मैं नू नू छड़ के सास नू चिमड़ जाऊं। सानू सारियां शर्तां मंजूर ने जी, ओदियां सारियां शर्तां मंजूर ने। ते दसो शर्तां है केड़ियां केड़ियां? ओदी पहली शर्त एही है कि ओनू 11 सूट चाहिदे ने, ओ भी ताडी नू दी मर्जी दे। लै दांगे 11 सूट ओदी मर्जी दे लै दांगे। ते दूजी शर्त ओंदी ए है कि 11 दिन ओदे सोहरे घर चो कोई ओदे मथे ना लगे। है बेबे मथे ना लगे एदा मतलब जा आपा नु घरे नहीं रहना पैना जा ओनु बाहर भेजना पैना। आपा इदा करदे आ फिर एनु 11 दिन लई ना पीके भेज दिने आ, अपना छुटकारा तो हो, बाकी जिंदगी तो आपा चैन नाल कटांगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। 11 दिन है ना पीके भेज दांगे सी, मथे नहीं जी लगदे सी। ठीक है जी, होर दसो जी। ते ओनु आई नु 40 दिन किसी ने टोका टाकी नहीं करनी। टोका टाकी तो की मेरी जवान सड़ जावे जे मैं उन्हें कुछ कहा था। नाले बाबा जी 40 दिन तो छड्डो, असी तो सारी उम्र इन्हें कुछ नहीं कहते। क्यों बेबे ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ी फीस कितनी है जी? वो ले लो तुसी फिर जी। सिर्फ 5000 रुपया। 5000 रुपया? हां जी। ए आप हो जी तुसी एडे वे सू मुश्किल के बचों क्या हज़ार तो कोई गल ही नहीं है जी। आप सुनो जी 5000। चलो तुसी बाहर जाके बैठो, मैं आनी हूँ। चल बेबे शुक्र है परमात्मा का हाल तो होया ना कुछ। ले भैने आ 1000 रुपया मेरी फीस है ते आ 4000 रुपया तेरे। हैं? आ मेनू पैसे कादे? ए पैसे तेरे पेके जाके खर्चे पानी लिया। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी, तुसी मेनू एक बहुत वड्डी मुसीबत तो बचा लिया। हुण मैं भी आपदी बची हुई जिंदगी दे जिहड़े दिन ने ओह सुख नाल कढ लूंगी, ते मैं भी अपने चा मलार पूरे कर सकूंगी हुण। ते जे मेरा सहुरा परिवार मेरे दुख दी खातर बदल गया ना ते मैं भी उहनां नूं चंगी बन के दिखाऊंगी, ते मैं भी आपदी सस नूं मां बना के उहदी सेवा करूंगी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੱਸਦੀ ਵੱਸਦੀ ਰਹਿ ਭੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
पढ़ते हैं उन्होंने साढ़िया अपन अखा के एक पिक्चर बन जाती है कि यार अगले के घर आह कुछ होंगे तो 70% जो असं वीडियो बनाने ना तो पाने तो थले कमेंट आए होंगे ने साडे नाल भी आई होंगे साढ़े नाल भी आई होंगे इट मीनस एक जने नाल नहीं 70% लोगों नाल सारा कुछ हो रहा तो लोड़ आ इस गल नूं समझण दी। मेरा ख्याल है जेकर आपां इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां वल थोड़ा जिहा भी ध्यान दे दिए तो वड्डे वड्डे झगड़े जिहड़े आ उह निपट सकदे ने। तो याद है ना फिर एक साडा चैनल सबसक्राइब करना जिन्हें हाले तक नहीं किया। मैं कहूँगा जिन्हें साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया कर लो यार थोड़िया कर लो ते नाले फेसबुक पेज नू भी फॉलो करना ना भुल्यो। हाँ फ्री है फ्री हाँ। कोई पैसा नहीं कोई टिकट नहीं फ्री इंटरटेनमेंट जल्दी करो जल्दी तो फिर नवी फिल्म नवे कंसैप्ट नवे विचार दे नाल फिर तो तुहाडे रूबरू होवांगे ते देखते रहो साडा ये प्यारा जिहा फैमिली चैनल।